हे भाई लोग, कैसे हो? सब लोग उम्मीद है आप सब लोग तो बढ़िया होंगे। तो आप लोगों को भी पता है फ्लिपकार्ट के ऊपर फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डे सेल काल मतलब 15 अक्टूबर को खत्म हुआ है। तो इस सेल के अंदर मैंने बहुत सारे स्मार्टफोन ऑर्डर किया था, जिसमें से आज मेरे पास डिलीवरी हुआ है सैमसंग गैलेक्सी A14 5G स्मार्टफोन। और फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डे सेल वाले वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बोला था कि अंडर 11,000 सैमसंग गैलेक्सी A14 5G एक तवाई वाला स्मार्टफोन है। तो चलो, आज ये स्मार्टफोन मेरे पास आ ही गया है, तो इस वीडियो के अंदर आज A14 5G स्मार्टफोन का एक क्विक अनबॉक्सिंग के साथ कंप्लीट फ्री फायर गेमिंग रिव्यू देख लेते हैं। सबसे पहले भाई लोग, इस स्मार्टफोन का कुछ स्पेसिफिकेशन की बात करें तो गैलेक्सी A14 5G स्मार्टफोन के अंदर आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा 6.6 इंच फुल HD प्लस 90 हर्ट्ज LCD डिस्प्ले। प्रोसेसर है एक्सिनोस 1330, एक 5 नैनोमीटर का चिपसेट है। बैटरी है 6000 mAh, लेकिन बॉक्स के अंदर कोई चार्जर आप लोगों को नहीं मिलेगा। रियर कैमरा है 50MP प्लस 2MP मैक्रो सेंसर। फ्रंट कैमरा है 13MP। दो ही रैम और स्टोरेज वेरिएंट है। 4 128GB का ऑफर प्राइस है 11,500 रुपीज़ और 6 128GB का प्राइस है 12,500 रुपीज़। मेरे पास 6 128GB वाला हायर वेरिएंट है, जो बैंक ऑफर के बाद सिर्फ 11,000 के अंदर मिल गया है। तो आज हम इस स्मार्टफोन को 11,000 प्राइस रेंज के हिसाब से चार्ज करने वाले हैं, और वीडियो को पूरा देखने के बाद आप लोगों को क्लियर आंसर मिल जाएगा कि 11,000 के अंदर इस स्मार्टफोन को परचेस करना सही रहेगा या नहीं। हाइलाइटेड स्पेसिफिकेशन के बाद अभी चलो एक क्विक अनबॉक्सिंग देख लेते हैं। तो A14 5G स्मार्टफोन का बॉक्स ओपन करने के बाद सबसे ऊपर हमारा डिवाइस है। डिवाइस के नीचे, अरे भाई कुछ नहीं है, चार्जर केस तो नहीं देगा, लेकिन डाटा केबल सिम इजेक्टर पिन कहाँ है? अरे भाई साहब, ये कवर के पीछे यहाँ पर बैठा है छुपके। भाई देख सकते हो, एक छोटा सा बॉक्स भी है जिसके ऊपर एक छोटा सा सिम इजेक्टर पिन। बॉक्स के अंदर कुछ यूजर मैनुअल्स पेपर, मतलब सैमसंग की तरफ से कुछ लाभ लेटर, जिसको आप पढ़ भी सकते हो या मेरे जैसे फेंक भी सकते हो। और उसके साथ एक Type-C to Type-C चार्जिंग केबल मिल जाएगा, लेकिन कोई चार्जर वगैरह नहीं है। तो गाइस, ये था एक छोटा सा अनबॉक्सिंग वीडियो। और मेरे पास फोन देख सकते हो ग्रीन कलर पर आया है, देखने में भाई बहुत ही खूबसूरत है। सो चलो अभी फोन को फटाफट सेटअप करके हैंड कैम गेम प्ले की तरफ चलते हैं। अभी गाइस देख सकते हो हमारा फोन पूरा रेडी हो गया है फ्री फायर गेम को इंस्टॉल करने के साथ। मैंने बहुत सारा डाउनलोड पैक भी यहाँ पर डाउनलोड कर लिया सैमसंग गैलेक्सी A14 5G स्मार्टफोन के अंदर। और अभी फोन के अंदर गेम का ग्राफिक्स की बात करें तो सेटिंग्स के ऊपर जाने के बाद गाइस आप लोग देख सकते हो यहाँ पर सेंसिटिविटी मेरा तो 100 है, रेड डॉट 85, लेकिन इसको मैं 90 के ऊपर सेट कर दिया। नेक्स्ट डिस्प्ले के ऊपर जाने के बाद ग्राफिक्स देख सकते हो फुल मैक्स है, कलर FPS शेडो सब कुछ मैक्स ग्राफिक्स के ऊपर ही सेट है। तो चलो मैक्स ग्राफिक्स के ऊपर सबसे पहले कुछ क्लैश स्क्वाड रैंक और सोलो वर्सेस स्क्वाड फुल मैप रैंक मैच का गेम प्ले देखते, उसके बाद भाई इस स्मार्टफोन के बारे में सब कुछ क्लियर करके आप लोगों को बोलते। आप लोगों ने तो मैक्स ग्राफिक्स के ऊपर क्लैश स्क्वाड रैंक मैच का कुछ गेम प्ले यहाँ पर देख लिया। गेम प्ले कैसा था नीचे ऑब्वियसली कमेंट करना। तो चलो अभी मैक्स ग्राफिक्स के ऊपर ही सोलो वर्सेस स्क्वाड फुल मैप रैंक मैच का भी कुछ गेम प्ले देखते हैं। और ग्राफिक्स भाई लोग देख लो, यहाँ पर मैक्स ही है। ठीक,
ऑल राइट गाइस, आप लोगों ने तो मैक्स ग्राफिक्स के ऊपर क्लैश स्क्वाड रैंक और सोलो वर्सेस स्क्वाड फुल मैप रैंक मैच का कुछ गेम प्ले यहाँ पर देख लिया। तो अभी चलो इस स्मार्टफोन का परफॉर्मेंस को लेकर बहुत कुछ जानकारी आप लोगों को देते हैं। सबसे पहले मैक्स ग्राफिक्स के ऊपर क्लैश स्क्वाड रैंक मैच की बात करें तो इस स्मार्टफोन के अंदर जो प्रोसेसर है Exynos 1330 ये काफी पावरफुल चिपसेट है प्राइस रेंज के हिसाब से। ये सैमसंग का एक खुद का प्रोसेसर है जहाँ पर 5 नैनोमीटर का फैब्रिकेशन प्रोसेस और 4 लाख के ऊपर एंटूटू बेंचमार्क स्कोर आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। तो अंडर 11-12,000 के हिसाब से प्रोसेसर काफी ज्यादा पावरफुल है, जिसके वजह से क्लैश स्क्वाड मैच के अंदर आप लोग मैक्स ग्राफिक्स के ऊपर स्मूथली गेम प्ले कर सकते हो, कोई लैग या फ्रेम ड्रॉप्स नोटिस नहीं होगा। इसके अलावा मैक्स ग्राफिक्स के ऊपर सोलो वर्सेस स्क्वाड फुल मैप रैंक मैच की बात करें तो भाई फुल मैप रैंक मैच का गेम प्ले देखने के बाद मैं भी पूरा सरप्राइज्ड हो गया, क्योंकि गाइस ये स्मार्टफोन अंडर 11,000 का स्मार्टफोन है और अंडर 11,000 के हिसाब से गेमिंग परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा स्मूथ बोल सकते हो। रैंक मैच के अंदर एक भी सिंगल लैग मैंने अभी तक नोटिस नहीं किया, आप लोग गेम प्ले के अंदर देख सकते हो। हाँ, कभी कभी हल्का फुल्का फ्रेम ड्रॉप्स तो होता है, लेकिन प्राइस रेंज को कंसीडर करते हुए भाई गेमिंग परफॉर्मेंस मेरे को एकदम टॉप नॉच लगा है। नेक्स्ट, इस स्मार्टफोन के अंदर गेम का सेंसिटिविटी की बात करें तो 90 Hz का रिफ्रेश रेट वाला पैनल देखने के लिए आप लोगों को मिल जाएगा। सो सेंसिटिविटी के मामले में कोई भी इशू नहीं होगा और फोन बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिव और स्मूथ फील होता है भाई। प्राइस रेंज के हिसाब से स्मूथनेस के बारे में कोई भी इशू देखने के लिए नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, बैटरी परफॉर्मेंस की बात करते हो, इस स्मार्टफोन के अंदर 6000 mAh का एक मैसिव लिथियम आयन पॉलीमर बैटरी देखने के लिए आप लोगों को मिल जाएगा और 5 नैनोमीटर प्रोसेसर होने की वजह से भाई लोग ये स्मार्टफोन बैटरी कंज्यूम भी उतना ज्यादा नहीं करता है। तो बैटरी परफॉर्मेंस को लेकर मैं एक ही बात बोलूंगा, भाई लोग बैटरी को खत्म करते करते ना तुम्हारा फुल एनर्जी खत्म हो जाएगा, लेकिन इसका बैटरी खत्म नहीं होगा। और हाँ, इस स्मार्टफोन का फ्री फायर गेम के अंदर बैटरी ड्रेन टेस्ट देखना चाहते हो तो नीचे कमेंट करना, मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना दूंगा। लेकिन बैटरी के अंदर एक दिक्कत है कि कोई चार्जर बॉक्स के अंदर नहीं है, मतलब अलग से आप लोगों को चार्जर खरीदना पड़ेगा। नेक्स्ट, इस स्मार्टफोन का कैमरा परफॉर्मेंस की बात करते हो, इस स्मार्टफोन के अंदर रियर साइड के ऊपर 50 MP मेन सेंसर है और सच बता रहा हूँ भाई 11,000 के अंदर पिक्चर क्वालिटी मेरे को काफी बढ़िया लगा है। उसके साथ 13 MP का एक फ्रंट कैमरा है, सो प्राइस के हिसाब से कैमरा क्वालिटी एक नंबर। इसके अलावा गाइस, इस स्मार्टफोन के अंदर 3.5 mm ऑडियो जैक, सिंगल स्पीकर, एंड्रॉइड 13, नॉक्स सिक्योरिटी, 2 साल का एंड्रॉइड और 3 साल का सिक्योरिटी अपडेट सब कुछ देखने के लिए मिल जाएगा। सो भाई लोग, ये था सैमसंग गैलेक्सी F14 5G स्मार्टफोन का ओवरऑल स्पेसिफिकेशन और कुछ फ्री फायर गेम प्ले। गेम प्ले कैसा था नीचे कमेंट करना। अभी आते हैं कंक्लूजन पर कि इस स्मार्टफोन को अंडर 11,000 गेमिंग के लिए परचेस करना सही रहेगा या नहीं। तो भाई लोग, मैं एक ही बात बोलूंगा, 11,000 के अंदर इससे बेहतर गेमिंग, कैमरा और बैटरी परफॉर्मेंस आप लोगों को कोई भी स्मार्टफोन नहीं देगा। तो ऑफर पर अगर इस स्मार्टफोन का 6GB वेरिएंट 11 या 12,000 पर भी मिल जाए तो भी ले सकते हो, फोन मस्त है। तो भाई लोग, आज के वीडियो पर तो इतना ही। अगर भाई का वीडियो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा है तो भाई के लिए वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलो मिलते हैं और एक नया इंफॉर्मेटिव वीडियो के अंदर, तब तक लेगा, बाय बाय।